ये कैसा सवाल है अमृता बेटी? हम आपके मामा हैं, मोहन मामा। हमारे मामा सा की मौत हो चुकी है और हम ये भी जानते हैं कि आप इंसान नहीं बल्कि एक नाग है। बताओ कौन हो तुम? हम कनिष्क हैं, कनिष्क त्रिनान लोक के राजकुमार। क्यों मिलके खुशी नहीं हुई? अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझते हो ना तुम कनिष्क। आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। गलत बात है अमृता, जब मैंने तुम्हें कमजोर नहीं समझा तो तुम्हें भी मुझे इतना कमजोर समझना नहीं चाहिए। अपनी खैर चाहते हो तो आज के बाद इस घर के आसपास कभी नजर मत आना। मैं इतनी आसानी से हार मारने वालों में से नहीं हूं अमृता। तुम सिर्फ एक बाजी जीती हो, सिर्फ एक बाजी, पूरी जंग नहीं। मैं आऊंगा तुम्हारे पास इसी घर में और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, कुछ नहीं। कुछ सोच रहे थे। हम देख रहे हैं आप कुछ दिनों से काफी परेशान हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। आप जानते हैं
ईश्वर ने स्त्री को एक विशेष शक्ति दी है जिससे वो अपने आप सब कुछ समझ जाती है। आप नहीं भी बताएंगे तो भी हम समझ गए। क्या क्या समझ गई हैं? यही कि आप हमें बहुत प्यार करते हैं और अपनी परेशानियां बताकर हमें भी परेशान नहीं करना चाहते। चिंता छोड़िए और दूध पीकर सो जाइए। कोई परेशानी इतनी बड़ी नहीं होती जो कभी खत्म ना हो। आप बेकार में परेशान हो रही थी सरोज, हमारी परी तो बिल्कुल ठीक है। माँ, कितनी देर लगा दी आप लोगों ने, कहाँ चले गए थे आप लोग? बेटा, परी की रिपोर्ट लाने में वक्त लग गया। परी? माँ, परी कहाँ है? परी हमारे पास में है। हमारी परी को हमें दीजिए। रहने दीजिए, पहले हमारी बड़ी भांजी हमारे साथ में खेल रही थी, अब हम हमारी छोटी भांजी के साथ में खेलेंगे। अच्छा मामा साहब, आप अपनी दोनों भांजियों के साथ खेलिए, हम लोग बहुत थक गए हैं, हम तो अपने कमरे में सोने जा रहे हैं। चलो चलो बहू। हमने मना किया था ना इस घर में वापस मत आना। मैं भी कहाँ आना चाह रहा था, पर तुम्हें देखे बिना मन भी तो नहीं मान रहा था मेरा। आखिर तुम चाहते क्या हो? हम क्या चाहते हैं वो तो आपको बहुत जल्द पता चल जाएगा। खबरदार, अगर मेरी बहन को कुछ किया तो। हम आपकी बहन को कुछ क्यों करेंगे, आप अपनी बहन को अपने पास ही रखिए। आखिरकार जो मैं चाहता था वो हो ही गया। बेटा बैठो। क्या हुआ आपको अमृता? भाई साहब, क्या हुआ अमृता को? पता नहीं, अभी तो ठीक थी। कैसे समझाऊं तुम्हें सरोज कि ये चंद्रमुग्धा का असर है। अमृता बेटा, ठीक तो हो ना? बोलो, हम ठीक हैं मासा? हम ठीक हैं मासा। आप इतनी अजीब तरह क्यों बोल रही हो? बोलो, हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। हमें नींद आ रही है, हम सोने जा रहे हैं। इतनी जल्दी आप परी के साथ नहीं खेलोगी? बोलो, हमारा मन नहीं कर रहा है। हमारा मन नहीं है, हम जा रहे हैं। अब तुम मेरे हाथों की कठपुतली हो अमृता, जब डोर खींचूंगा तुम नाचोगी। सही कहते हैं लोग, मेहनत हमेशा रंग लाती है। अमृता, अपने असली रूप में आओ अमृता। कितनी मजबूर है ना तुम अमृता, जिस इंसान से तुम सबसे ज्यादा नफरत करती हो उसी की बात माननी पड़ रही है तुम्हें। बहुत कुछ सहारा होगा ना। एक बात तो बताओ अमृता, तुम्हें कैसे पता चला कि मैं
मोहन मामा नहीं हूं। तुम्हें मेरे सवालों का जवाब तो देना ही होगा। फोन आया था कि मोहन मामा का देहांत हो चुका है, लेकिन ये तो तुम्हें अभी पता चला। पर जब मैं आया था और तुम्हें इतना प्यार दे रहा था, तब भी तुम मुझसे दूर दूर भाग रही थी। मुझे अंबालिका ने पहले ही सतर्क कर दिया था। आने वाला तुम्हारा कोई अपना है, वो सिर्फ तुम्हें नुकसान पहुंचाने आ रहा है। दुश्मन है तुम्हारा दुश्मन। अंबालिका ने दुश्मन के आने का वक्त भी बता दिया था और उसी वक्त तुम आए। उस अंबालिका से तो मिलना ही पड़ेगा, जो भविष्य भी बता देती है। कल ही अंबालिका से मिलवाने के लिए लेके चलोगी ना? ये अंबालिका चीज क्या है? ज्यादा जल्दी है ना, तो आप खुद ही कर लो हिसाब। अगर ये सब कुछ भी हमें ही करना होता तो इतनी तनख्वाह नहीं दे रहे होते तुम्हें। पिछले हफ्ते 2000 रुपए की कमाई हुई थी। हमने तुमसे पिछले हफ्ते का हिसाब नहीं मांगा है, इस हफ्ते का हिसाब मांग रहे। इस हफ्ते 5000 रुपए की कमाई हुई है। मतलब 2000 रुपए का फायदा? जी नहीं, 3000 रुपए का फायदा। 3000? हाँ, हम भी वही बोलने वाले थे। बस हम ये सोच रहे थे बाबू कि कितने बेवकूफ लोग हैं ना दुनिया में। मतलब अगर हम पूरी जिंदगी इन्हें उल्लू बनाते रहे तो हम तो करोड़पति बन जाएंगे। ये बाबू ये क्या है? पेन, पेन है, पेन, पेन, पेन। अरे गधे, तुम्हारे हाथ में जो वो नहीं, ये क्या मतलब चेहरे पर क्या है? नाक थोड़ी छोटी है पर अच्छी है। हमने नाक का नाप नहीं मांगा तुमसे, हम ये ये काले धब्बे के बारे में पूछे। ये जो हमारी नाक पर है, देखो तो, देखो। अंबालिका जी, आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन एक काम करिए, मेरे जान पहचान के एक पागलों के डॉक्टर है, एक बार दिखा दीजिए उनको। तुमने हमें पागल कहा बाबू? शक्ल से नहीं, लेकिन आपकी जो हरकतें हैं ना, वो शक पैदा कर रही हैं। बाबू देखो 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 देखो, ये हमारे चेहरे पर चारों तरफ घूम रहा है। देखो तो, ये क्या है? अंबालिका जी, ये धब्बा आपके चेहरे पर नहीं है, ये आईने पर। बिंदी से डरती हो, कभी नाक से डरती हो, क्या गया है? मैं पागल हो जाऊंगा। एक काम करो, मैं पागल के डॉक्टर से जा मिलकर आता हूँ। अमृता, हे भगवान, अच्छा हुआ कि मैंने अमृता की मदद की। अब वो भी मेरी मदद करेगी। उसने मुझसे कहा था कि अगर मैं उसके काम आऊंगी तो वो मुझे नागों से बचाएगी। मुझे अमृता से मिलना ही होगा। हमारे नाग रूप में आने का समय हो गया है। नहीं अमृता, तुम इस रूप में बहुत खूबसूरत लगती हो, तुम्हें नागिन बनने की कोई जरूरत नहीं है। एक बार फिर तुम्हें जिंदगी पक्ष दी। देखा अमृता, कितनी कमजोर हो गई हो तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा, क्योंकि अब तुम मेरी
मुट्ठी में हो। तुम्हारी पूजा पाठ से मैं तुम्हें अपनी मेहनत बर्बाद नहीं करने दूंगा। अमृता, तुम्हें पूजा नहीं, तुम्हें खेलना है। अमृता, सुना नहीं? जाओ और खेलो। अमृता बेटा, ये क्या किया आपने? आज से पहले तो आपने कभी पूजा अधूरी नहीं छोड़ी। क्या हुआ बेटा, जवाब क्यों नहीं दे रही आप? बोलो, हमारा पूजा में मन नहीं लगता है, हम आज के बाद पूजा नहीं करेंगे। हमारा पूजा में मन नहीं लग रहा है, आज के बाद हम कभी पूजा नहीं करेंगे। अमृता, पूजा के लिए ऐसी बात नहीं करते। रहने दो बहू, बच्ची है, जानती नहीं कि वो क्या कह रही है। अच्छा चलिए, अभी स्कूल का टाइम हो गया। बोलो, आज के बाद हम स्कूल भी नहीं जाएंगे। आज के बाद हम स्कूल भी नहीं जाएंगे। अमृता, ये हो क्या गया आपको? ऐसी बातें क्यों कर रही हैं आप? कहो, ठीक है हम स्कूल जाएंगे। ठीक है हम स्कूल जाएंगे। अमृता, हम दोनों के खेल में ये सब बेचारे बेकार में ही पिसते जा रहे हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, सबकी अपनी अपनी किस्मत है। शक्तियां अभी भी बहुत कम है, इसीलिए हम त्रिवेणी के बारे में कुछ नहीं जान पा रहे। आखिर ऐसा क्या करें जो हमें त्रिवेणी का हर राज पता चल जाए। कौन है? जब तुम्हें कोई रास्ता न मिले और लगे कि जीवन में बहुत उलझने हैं, तो हमें याद करना भैरवनाथ, अपने गुरुदेव को याद करना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे। जय गुरुदेव। अब देखना त्रिवेणी, हम गुरुदेव की सहायता से तेरा हर राज जान जाएंगे।